तो बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न माने। बाबा जी मेरी जान, कल मुझे ऐसे कौन सुलाएगा? बाबा तो हमेशा आपके पास ही रहेंगे। जब भी आप दिल से बाबा को याद करोगे ना, तो आप देखना बाबा आपके पास आ जाएंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे आप रात में मेरे पास आ जाएं? बाबा मुझे अकेले रात में बहुत डर लगता है। मेरे पास तो मामा भी नहीं होंगी, मैं किसके पास जाऊंगा? अरे बेटा इसमें डरने वाली क्या बात, दादू के पास चले जाया करना ना, वरना सिद्रा फूफो तो हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो आपके पास आ जाया करेंगी। आपके जाने के बाद मामा आ सकती है ना? बताए ना बाबा। नहीं वो नहीं आ सकती, और अब आप भी चुप करके सो जाओ। आई एम सॉरी मेरा बेटा। चाहता हूं मेरा बेटा, मेरा अब्दुल हादी एक अच्छे बच्चे की तरह रहे, एक बहादुर बच्चे की तरह, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, किसी को तंग ना करे। और बस 2 साल की तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, फिर मैं अपने गुड्डू के पास आ जाऊंगा। हमेशा हमेशा के लिए दोनों बाप बेटा एक साथ खुश खुश रहेंगे, लेकिन तब तक मुझसे प्रॉमिस करो आप घर में किसी को तंग नहीं करोगे, अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करोगे और अपने बाबा का नाम रोशन करोगे। प्रॉमिस? गुड बॉय। चलो अब सोचो, बहुत देर होगी। शाबाश।
की कसम उड़वा दूं। सिर्फ नए रिश्ते जोड़ने के लिए बस इतनी सी थी तुम्हारी मोहब्बत। मैं तो अभी भी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता नायाब। अब तो मेरी सिर्फ एक ही दुआ है कि तुम मुझे कभी भी याद ना, कभी भी नहीं। सही भाई पूछ रहे थे आप एयरपोर्ट कब तक निकलेंगे, वो आप तैयार नहीं हुए अभी तक। अभी तो बहुत वक्त है, सुबह निकलना है, मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगा। जाने से पहले मुझे माफ कर देंगे? क्यों, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुमने ऐसा क्या किया है कि माफी मांग रही हूँ? जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ वो मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। उस तकदीर से भला आज तक कोई भाग सका? तुम जानती हो मुझे अगले साल आना था, लेकिन ये तकदीर और किस्मत का खेल था कि मैं इन दिनों में आ गया और मेरी जिंदगी के राज मुझ पर खुल गए। तुम नहीं जानती हो कितनी तोड़ फोड़ है मेरे अंदर इस वक्त। मेरे दिल की खामोशी, उसका खालीपन मुझे मार रहा है। डर लग रहा है अपने आप से, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं भाई, जो कुछ भी हुआ उसमें लगता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई गलती है तो उसका अजाला कटना पड़ेगा ना तुम्हें। जी तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मेरे बेटे का ख्याल रखना। नहीं जानता किस दौर से गुजरने वाला है, हमारे इस फैसले ने उस बेचारे को कंफ्यूज कर दिया है। शायद हम दोनों की तरह वो भी दो हिस्सों में बंटने वाला है सारी जिंदगी के लिए। बहुत छोटा है गुड्डू, वो तो तलाक और अलहदगी का मतलब भी नहीं समझता। दुख समझ नहीं पा रहा, इतनी महरूमी समझ नहीं पा रहा, समझौता नहीं कर पा रहा। आपने कर लिया समझौता? शायद पुल से रात से गुजरना आसान काम होगा, लेकिन इस वक्त से गुजरना बहुत मुश्किल। और भाभी? नहीं है वो तुम्हारी भाभी, तलाक दे चुका हूं मैं उसे। फिर वो शादी करने जा रही है, इसलिए आज के बाद
मेरे सामने उसका जिक्र भी मत करना। तुम जाओ यहां से, जाओ, मुझे तैयार होना है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरे बच्चे। मेरी बच्ची कुची जिंदगी और सारी खुशियां अल्लाह तेरे नाम लिख दे। मेरी तो यही दुआ है तुम्हारे लिए। आमीन। जैसे जा रहे हो ना, अल्लाह करे सही सलामत वापस भी इसी तरह आ जाए। अम्मी प्लीज, आप मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की बात बस आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ उसे। वादा करें मुझसे कि आप उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगी। हाँ क्यों नहीं बेटा, रखूंगी ख्याल मैं गुड्डू का। वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात कर रही है बात तो। अम्मी हमेशा गुड्डू का अपने आप से बढ़कर ख्याल रखते हैं, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब है ना। मैं तो उसे अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करूंगी। ये बात सायमा बिल्कुल ठीक कह रही है। गुड्डू का हम बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मुझे याद आया, गुड्डू को जगा तो दें ताकि वो मिल ले अपने अब्बा से जाने से पहले। नहीं नहीं प्लीज, उसे मत जगाइए, बल्कि रोएगा तो मेरा दिल भी खराब होगा। सिद्रा तुम गुड्डू के बहुत क्लोज हो, उसका ख्याल रखना प्लीज। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाई। नवीद, सिद्रा बहुत लाडों से पाली है, इसका बहुत ख्याल रखना। और सिद्रा तुम कोशिश करना कि नवीद को तंग न करो। अरे आप फिक्र ही नहीं करें, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं इसका। बाबा चले गए क्या? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाबा आप जा रहे हैं? मुझे आपके साथ जाना है बाबा, आप बस नहीं जाएंगे, मुझे अपनी जान लेके जाएंगे, मैं अकेला नहीं रहूंगा बाबा। गुड्डू मेरे बच्चे, मेरी जान मैं नहीं लेके जा सकता आपको अपने साथ, मुझे जाना होगा। नहीं बाबा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं अकेला नहीं रहूंगा, प्लीज बाबा। बाबा प्लीज, मुझे आपके साथ जाना है। ठीक, थोड़े दिनों के लिए तो जा रहा हूँ मेरी जान, मैं वादा कर रहा हूँ मैं अपने बेटे को अपने पास बुला लूंगा, बाबा का वादा है। नहीं आप नहीं बुलाएंगे मुझे अपने साथ, आप मुझे भूल जाएंगे, जैसे मामा मुझे भूल गई आप भी भूल जाएंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, बस मुझे आपके साथ ही रहना है। नहीं भूलूंगा गुड्डू, नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा बाबा, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज बाबा मुझे अपने साथ ले जाएं। गुड्डू मेरा बेटा, इससे नहीं हो सकता ना, बाबा को जाना पड़ेगा। और यहाँ देखो, इस घर में दादू भी है, कुप्पो भी है, सब है। मैं आपको दिन में 2-3 दफा कॉल्स भी किया करूंगा रोज, आप परेशान मत हो। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ये बात मेरे बच्चे, तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये थोड़ी देर के बाद बहल जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। बाबा प्लीज मुझे साथ लेके जाएं। ये तो बच्चा है, संभल जाएगा, हम संभालेंगे, तुम जाओ। नहीं बाबा आप मत जाएं, मुझे मामा के पास छोड़ दें प्लीज बाबा। गुड्डू मेरी जान, इबाद तुम जाओ, अभी चुप हो जाएगा, हम देख लेंगे, जाओ। नहीं नहीं बाबा, बाबा मुझे साथ जाना है आपके। बाबा बाबा रुके, छोड़े फूको, बाबा मुझे आपके साथ जाना है, छोड़े बाबा, बाबा रुके प्लीज बाबा। चुप रहो, आप ही चलो। ये क्या तरीका चुप करवाने का? तुम भी अपनी बकवास बंद करो, आई समझ? चुप। अरे ऐसा किया तुम्हारी बहू ने? लगाना था एक थप्पड़ उसके मुंह पे, इनको जितना सर पे चढ़ाओ ना उतना बिगड़ती है, वरना पछताओगी, बता रही हूँ। दादू जहाज की आवाज सुने ना, दादू दादू सुने, बाबा का जहाज जा रहा है, दादू दादू सुने ना, बाबा का जहाज,
दादू कह रही हो? दादू देखे बाबा का जहाज जा रहे हैं। दादू मैं नूस मारे देखता नहीं है, फोन पे बात कर रही हूँ। दादू दादू हाँ रजिया बोलो। नहीं कोई नहीं था। अच्छा अरे बड़ी मनहूस होती हैं ये बहुएं, मेरी तो अल्लाह ने जान छुड़ाई, निकल गई हमारी तो जिंदगी से, सुख का सांस लिया मैंने तो। अम्मी पूरे 50,000 मिलेंगे हमें महीने के, मगर साइमा आप क्या अकेली इस घर में रहेंगी? चले मान लेते एक नौकरानी रख लेंगे आप। आपको नहीं पता आजकल की नौकरानियां किस तरह की हैं, आपके सामने चोरी करके चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जहीर तो कह रहे थे सारा घर 60,000 में चढ़ सकता था, लेकिन जाहिर है पूरे घर का सामान भी तो कहीं रखना है ना, वो हम एक कमरे में रख देंगे। हाँ लेकिन गुड्डू का स्कूल भी तो यही है ना। अम्मी हर बात को आप मसला क्यों बना रही हैं? जोया जाती है ना स्कूल, वहीं गुड्डू भी चला जाएगा। हाँ अकेले रहने से तो अब मुझे भी डर लगता है, किसी दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो यहाँ तो कोई है ही नहीं जो मेरी देखभाल करे। इसीलिए हर वक्त मुझे आप लोगों की फिक्र लगी रहती है। आप सब लोग मेरे पास शिफ्ट हो जाओगे तो फिक्र भी कम हो जाएगी, गुड्डू भी हमारे पास रहेगा और आप भी। लेकिन साहिबा एक बार सिद्रा और गुड्डू से भी पूछ लेते हैं ना। उनसे क्या मशवरा करना है, इस घर के बड़े हम हैं, हमने मशवरा करना है, हमने फैसला करना है कि क्या करेंगे और क्या नहीं। बल्कि अम्मी मैं तो कहती हूँ कि गुड्डू को उसकी माँ के पास भेज दें, सबसे अच्छा यही रहेगा। अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बात मुझे इतनी कसमें दे के गया है गुड्डू के लिए, मैं नहीं कर सकती ऐसा। हाँ ठीक कह रही हैं आप, सिद्रा बहुत बड़ी सिफारशी है उसकी, सब बता देगी बात को। ठीक है तो घर का सारा सामान कहाँ गया और आप ये पैक क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं पापा के पास। नहीं फिर कहाँ जा रहे हैं? फूफो के घर। सिद्रा फूफो के घर? साइमा के घर। अरे दोनों साथ में ही तो रहती हैं। लेकिन दादो मैं वहां नहीं जाऊंगा, साइमा फूफो मुझे बहुत बुरी लगती हैं। गुड्डू वो तुम्हारे पापा की बड़ी बहन है, इज्जत से बात करो ना। लेकिन दादो हम अपना घर छोड़कर जा क्यों रहे? गुड्डू बहुत सवाल करते हो तुम। हम इसलिए जा रहे हैं बेटा कि देखो ना इतना बड़ा घर है, इस घर में दादो और गुड्डू अकेले तो नहीं रह सकते। अगर दादो की तबीयत खराब हो गई तो मैं कोने वाले सफर अंकल को ले आऊंगा, वो डॉक्टर है ना। गुड्डू अगर दादो की तबीयत रात को खराब हो जाती है इतनी गुप्त रात में चले जाओगी? तुम्हें डर नहीं लगेगा? जी दादो मैं चला जाऊंगा, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं बड़ा हो गया हूँ और बहादुर भी। दादो को डर लगता है ना बेटा, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा। और माँ तुमने पापा को नहीं बताना कि हमने घर छोड़ दिया, दादो खुद बताएगी। Thank you.
गुड्डू ये कैसे होमवर्क कर रहे हो तुम? इतना गंदा, टीचर ने डर्टी वर्क लिख देना है, सही से करो। मामा मुझे प्लीज बाहर जाने दें, प्रॉमिस, बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा और आते ही सारा काम कंप्लीट कर लूंगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले होमवर्क फिनिश करो। मेरा बेटा मुझे बताएगा कि मैं कैसी हूँ। बोलो गुड्डू, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आप बहुत अच्छी हैं मामा। तो फिर अब जो भी पूछेगा आप उसको यही कहोगे कि आपकी मामा अच्छी है, वो बुरी औरत नहीं है, यही कहोगे ना? जी मामा, मैं यही कहूँगा कि मेरी मामा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मामा है। आई लव यू मामा। सब चीजें हो गई। ओके। बाबा आप दोनों चले गए, अब मैं भी इस घर से जा रहा हूँ। वो ताले वाले लगा दिए? हाँ सब लगा दिया, चले अम्मी। चल। गुड्डू कहाँ है? गुड्डू बाहर गया था, गाड़ी में होगा। गाड़ी में तो नहीं है। तुम फिर कहाँ चला गया? मैं देखकर आती हूँ, मोहल्ले में किसी के घर चला गया होगा। हाँ जा देख। मैं भी देखकर आता हूँ। अली जी, बेटा गुड्डू कहाँ है? वो कब का मिलकर चला गया। कहाँ गया कुछ पता है? नहीं। अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ, कहाँ जा सकता है। खैर कहाँ चला गया बच्चा? अम्मी क्या हुआ? मैंने पूरे मोहल्ले में गुड्डू को देख लिया, गुड्डू कहीं पे भी नहीं है। अरे तू कहाँ चला गया? सायमा मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो मेरे साथ था। नवीद देखने गया है ना, हो सकता है उसको मिल जाए। वो देखे आ गया नवीद। मैं देख कर आया हूँ, मुझे तो नहीं मिला कहीं। अम्मी कहीं माँ को तो नहीं मिलने निकल गया? नहीं 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 जा सकता वो खुद से। तू बता मुझे, तूने डांटा तो नहीं? सच बता। तौबा है अम्मी, मेरा दिमाग खराब है, मैं उसे डांटूंगी? सुबह से काम में लगी हुई हूँ। अब क्या करें भाभी, शाम हो रही है, कहाँ गया होगा वो? अल्लाह ये जाने, अब मैं क्या कहूँ। एक काम करें, मुझे चाबी दे, मैं अंदर जाके देखता हूँ। मैंने सब देख कर ताले लगाए। आप चाबी तो दें, मैं देखता हूँ। गुड्डू, गुड्डू कहाँ चला गया? गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू! अरे गुड्डू ना मिला तो मैं बात को क्या जवाब दूंगी? आप तो ऐसे कह रही जैसे खुदा ना खास्ता हमने गुड्डू के साथ कोई ज्यादती कर दी है। अरे उसे संभालना तो हमारी जिम्मेदारी थी ना। आप मेरी बात को लिख ले, किसी हमसाये या दोस्त के घर जाकर छुप गया होगा वो। क्यों जाएगा वो किसी दोस्त के पास? आपने खुद ही तो बताया था कि वो जाना नहीं चाह रहा यहाँ से। अरे गुड्डू
अरे बेटा तुम कहाँ हो, क्यों परेशान कर रहे हो दादी को, आ जाओ ना मेरे चांद। गुड्डू माँ जैसा तंग कर रहा है हमें, आप ऐसे आवाजें दे रही जैसे अभी वो कहेगा दादी मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। कहाँ चला गया? अरे गुड्डू, गुड्डू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं। चलो उठो, चले उठ जा। ये पिक्चर मैं कमरे में रख देता हूँ तुम्हारे, आ जाओ। ये लें इस गुड्डू को, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, लेकर आ जाएं। ये क्या हरकत थी गुड्डू? हाँ तुम्हें अंदाजा भी है दादी कितना डर गई थी, क्यों तंग कर रहे हो? मत डांटो बच्चे को, देख नहीं रही पहले सहमा हुआ है? सहमा नहीं हुआ, ड्रामेबाज है माँ की तरह। चुप करो तुम, जाकर गाड़ी में बैठो, लेकर आती हूँ मैं इसे, जल्दी आओ। इतना मेरे बच्चे रो क्यों रहा है? दादू मामा की याद आ रही है, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा पापा ने मना किया ना मामा से मिलने को, तो अभी चले ना हम लोग, इतना सफर है, दूर जाना है। दादू मेरा स्कूल और सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर हैं। बेटा वहाँ नए दोस्त बना लेना और जोया के स्कूल में दाखिल करवा देंगे। चल आ जा। अच्छा शाबाश। आप लोग जाएं, मैं सामान लेकर आता। मामा कह रही है कि अब तुम यहीं रहोगे हमारे घर में। तुम्हारे मम्मी पापा कितने गंदे हैं जो तुम्हें छोड़ के चले गए। मेरे माँ पापा गंदे नहीं है। क्या हुआ तहरीम? बेटा अभी तो हम आए हैं और आते तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। मामा मुझे गुड्डू ने मारा है, इसे कहीं जाए यहाँ से, अभी हमारे घर पे नहीं रहेगा। तुमने मारा मेरी बेटी को? इसने मेरे माँ बाबा को गंदा कहा, अगर आइंदा कहा ना तो मैं उसे और मारूंगा। देखो तो इसे कैसे चतर चतर माँ की तरह जुबान चलती है इसकी। रुको जरा मैं तुम्हें बताऊं। मेरा बेटा कसम से अम्मी तुम्हारी बहू इतनी अजीब औरत थी कि मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई। बाबा करो किस मनु उसका नाम ले रही हो खावा खा में। एक सेकंड देखूं कौन है।
ये 150 रुपए की सब्जी है, इतनी सी? हाँ? अंधे हो गए सब्जी लाते हो? हाँ, 150 रुपए दिए थे तुम्हें मैंने और ये गली सब्जी उठा कर ले आयो। बाकी पैसे कहाँ हैं? हाँ, बाकी के पैसे तो तुमने नहीं दिए अंकल ने। क्यों नहीं दिए? अपनी जेब दिखाओ, दिखाओ मुझे अपनी जेब। अरे छोड़ दे बच्चे को। हाँ? दिखाओ। मेरे पास नहीं है। ये कहाँ से आए पैसे? हाँ, चुराए हैं तुमने? ये मेरे अपने। अपने कहाँ से आए तुम्हारे पास? सब्जी में से पैसे बचा कर ये गंदी सब्जी उठा कर ले आयो। हाँ, चलो जाओ वापिस कर जाओ। चलो अंकल, वापस तो नहीं करेंगे? क्यों वापस नहीं करेंगे, मुफ्त का माल है। हाँ? नहीं करेंगे फुप्पो। अगर वो सब्जी ये वापस ही ना करेगा तो तू भी निकल। चल चल चल, बकवास कर कर चल। आप ही क्या हो क्या? आपको क्यों मार रही हूँ उसको इतनी बुरी तरीके से? ये मत भूलें कि जो आप सब उड़ा रहे हैं ना, इसके बाप का ही कमाया हुआ है और उसी की औलाद को इतने धक्के। क्यों, इस घर में रहने वाले सारे लूले लंगड़े हैं? मेरा शौहर बहुत कमाता है बीबी, आई समझ? सब कुछ बाहर से नहीं आता, इसका बाप नहीं भेजता। चल 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 जा, चल जा, चल चल। इसके बिगड़ने में जो जरा सी कसर रह गई है ना, ये आपकी बेटी उसे मजीद बिगाड़ देगी, देख लीजिएगा आप। सारी गली सब्जी उठा के ले आया है चोर। वैसे तू तो बहुत अच्छी है। एना, अली, नौरीन, कहाँ हो तुम लोग? यार इधर आओ, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? बूझो तो जाने। अरे बताए ना, मैं वैसी बहुत थकी हुई उस वक्त। 2 साल के लिए ऑफिस की तरफ से फैमिली वीजा डेपोटेशन पर मुझे शारजा भेजा जा रहा है। हम सब जाएंगे? हाँ हाँ, हम सब शारजा जा रहे हैं भाई अगले महीने। क्या वाकई पापा हम शारजा जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम शारजा जा रहे हैं और तुम लोग स्कूल भी वहीं पढ़ोगे। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, किसी अच्छे से स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ तुम वहाँ जॉब भी कर सकती हो। हैं, फर्निश फ्लैट मिल रहा है वहाँ पर, फर्निश। लेकिन इस घर का क्या होगा? इस घर का भाई, मेरा कुलीग है, नई नई उसकी शादी हुई है, दोनों मियाँ बीवी हैं और कोई भी नहीं है। उनको रेंट पे घर चाहिए, उन्हें दे देंगे, घर का किराया भी आता रहेगा और घर का ख्याल भी रखेंगे वो लोग। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अचानक ही सब कैसे हो गया। एकदम से नहीं हुआ बेगम साहबा, 3 महीनों से इंतजार कर रहा था। रोज बॉस से पूछता था, बॉस क्या हुआ वीजे का, बॉस क्या हुआ वीजे का। बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरा फैमिली वीजा आ चुका है शारजा का। बस और वो कहाँ है अपना नायाब, कहाँ है नायाब? तुम बस आज से पैकिंग शुरू कर दो। ठीक है नायाब, तुमने सुना हम शारजा जा रहे हैं। पापा, पप्पू भी हमारे साथ जाएंगे ना? मुझे यहां से आके ले जाए, सब मुझे मारते हैं, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, दादो फुप्पो सब मारते हैं मुझे। मुझे यहां नहीं रहना मामा। गुड्डू,
मेरे बच्चे, अपने मामा से कब मिलोगे? कब मिलोगे मामा से? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मैं नहीं रह सकती। आज अपनी मामा के पास, मामा के पास आ जा। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न माने।